खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कस्बा खतौली में स्थित शिवालय परिसर में ईद मेले की परमिशन दिए जाने को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन में आक्रोश दिख रहा है। उन्होंने इस बात से नाराज होकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है और इस परमिशन को कैंसिल किए जाने की मांग की है। संजय अरोरा ने बताया कि शिवालय ग्राउंड के अंदर ईद मेले की परंपरा तोड़कर अनुमति दी गई है। अब से पहले वहां इस तरह के मेले का आयोजन नहीं हुआ। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मिलकर इस अनुमति को तत्काल रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस मेले की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस मेले की अनुमति एक महीने से ज्यादा की दी गई है, जिससे कस्बे का माहौल खराब होने की संभावना है। उनका कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। ये खतौली में एक ईद मेले की परंपरा तोड़कर अनुमति दी गई है शिवालय ग्राउंड के अंदर। आज से पहले कभी वहाँ पर इस तरह के मेले का आयोजन नहीं हुआ। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय डीएम साहब से मिलकर इस अनुमति को तत्काल रद्द करने की मांग की है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने मांग की है कि इसकी अनुमति जिसने भी दी है उन अधिकारियों की जाँच कराएँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं झोल है। ये 1 मई से 5 जून तक के लिए परमिशन दी गई है, जो एक महीने से भी ज़्यादा की परमिशन है, जो साफ दर्शाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बड़ा झोल है। और जो परमिशन दी गई है वो एक क्या नाम क्या ये है सिखेड़ा के सिराज खान सनफ अख्तर उनके नाम से परमिशन दी गई है, जो माननीय मुख्यमंत्री की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज करके नई परम्परा डालने का प्रयास इसमें किया जा रहा है, जिसको हमने विरोध किया है। और जिलाधिकारी महोदय ने एसडीएम साहब को फोन करके तुरंत इस परमिशन को रद्द करने के लिए कहा है।